वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो अभी जो है सुबह के बज रहे हैं 6:30 और आप लोग सोच रहे होंगे सुबह सुबह इतनी तैयार क्यों हो गई। तो आज जो है मेरा फास्ट है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का होगा आज जो है सावन का पहला सोमवार है। पिछले साल जो है मैंने पूरे सावन के व्रत रखे थे, लेकिन इस बार नहीं रखे हैं, इस बार सिर्फ सोमवार के ही जो है व्रत रखने वाली हूँ। तो उसी के लिए जो है मैंने आज ये वाला सूट पहना है। और पता नहीं क्यों जब मेरा फास्ट होता है ना या कुछ भी होता है, मुझे अच्छे से तैयार होना बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत ही कुछ करूँगी मैं। और क्या बोल रही थी मैं, हाँ ये वाला सूट मैं क्यों पहनती हूँ अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। सिर्फ इस सूट की जो सिलवार है ना, ये देखो कितनी ज़्यादा पटियाला है। सिर्फ इस सूट की सिलवार की वजह से मैं ये वाला सूट पहनती हूँ, क्योंकि मुझे पटियाला सूट सिलवार काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मम्मी जो है नहा रही हैं अभी, उनके नहाने तक मैं जो है रेडी हो जाऊंगी, उसके बाद जो है हम लोग मंदिर जाएंगे। तो फटाफट से मैं तैयार हो जाती हूँ। गए हैं, काफी टाइम हो गया, इतनी ज्यादा जल्दी हो रही थी। हाय नीलम देवी, हाय। तो अभी जो है बज रहे हैं 11:30-12 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, ज्यादा ही हो रहा है शायद, एक बज रहा है। तभी जो है मैंने अपनी वीडियो जो है पब्लिक की है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। आज कौन कर रहा था ना, बहुत कोशिश करी बाहर बैठाने की, भाई बैठा ही ना। हाँ, तो आज वाली वीडियो पे जो है टाइगर को लेके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और आप लोग उसे बहुत 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 प्यार दिखा रहे हो। कुछ लोग जो है टाइगर को, छुट्टी आ गई मम्मी की, दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है। कुछ लोग जो है टाइगर को डॉक्टर के दिखाने के लिए बोल रहे थे। डॉक्टर के तो उसे हमने कल ही दिखा दिया था, उसके पैर में कोई वैसे दिक्कत नहीं है। मम्मी गेट बंद कर दो, तुम्हारी सिट्टी डिस्टर्ब कर रही है। जब टाइगर छोटा था ना, तो उसके पैर ऑलरेडी मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, चोट वोट लग जाती है, बहुत बार इसके चोट लग गई है। तो इसी वजह से जो है अब बुढ़ापे में आते आते सबसे ज़्यादा जोर इसके पैरों पे ही पड़ेगा। डॉक्टर ने इसे जो है दवाइयाँ ये खाने नहीं वाला, क्योंकि दूध और ब्रेड ही खा रहा है ये। तो डॉक्टर ने जो है इसे इंजेक्शन दिए हैं, एक इंजेक्शन इसे सुबह लगता है, एक इंजेक्शन इसके शाम को लगता है। और सच बता रही हूँ, इस टाइम इसकी इतनी ज़्यादा केयर हो रही है ना, मैं वर्डों में नहीं बता सकती कि जो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में भी सोचा था ना करने का, वो मैं अब इसका सब कुछ कर रही हूँ, सब कुछ। मेरा व्रत है आज, ठीक है। मैं मंदिर से आई सीधा, ठीक है। मैं मंदिर से जब आई, इसने, आप लोग समझ गए होंगे, सुबह के टाइम इसने वो सब कुछ कर रखा था। और फिर मैंने वो सारा घर दोबारा से धोया। अब इसे कल को नहाएंगे, क्योंकि इसमें से ना बहुत वैसी स्मेल आ रही है। वो क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, वो समझ में नहीं आ रहा। और इसकी कंडीशन सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी देखो यहाँ बैठा है ये रहा, टाइगर। इसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, सिर्फ ये उसी टाइम पे ही जो है बात करता है जब इसे उठना होता है। अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ पे जो है मम्मी कर रही हैं खाने की तैयारी। मैं आप लोगों से बात करी उसके बाद मैं सो गई। आजकल ना बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो रहा है, व्लॉग बनाने का बिल्कुल टाइम मिलता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है आजकल मेरा। तो यहाँ पे जो है मम्मी बना रही हैं आलू की सब्जी, कुट्टू की पूरी बनाएंगी और दही बनाएंगी। पता है वैसे आप लोग बताना, आज के दिन का जो फास्ट है वो खोल लेते हैं ना शाम के टाइम, अनका खा लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा क्या होता है, जब भी मैं ऐसे कोई फास्ट रखती हूँ ना शाम के टाइम, आप अनका खा सकते हो, मेरा अंदर से मन ही नहीं मानता खाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है यार क्या फास्ट रहेगा,
उससे तो अच्छा मैं व्रत कहीं खा लूँ। तो वही है, पहले मम्मी ने बोला था कि आप जो है व्रत खोल सकते हो, आज खाना वाना खा सकते हो, लेकिन मेरा मन नहीं माना, तो इसी वजह से जो है मैं यहाँ पे आलू की सब्जी और ये कुट्टू की पूरी वूरी बनवा रही हूँ। तो वही जो है मम्मी ने सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च में इसे छोका है। मम्मी ने सब्जी में मिर्च बड़ी कड़ाकेदार कर रखी थी, बहुत कड़ाकेदार, बिल्कुल चरपटी सब्जी बनवाई हुई थी। सुबह से कुछ खाया नहीं था ना, एकदम खाते के साथ ही ना एकदम मन बिल्कुल साफ हो गया। तो यहाँ पे जो है छोक लग गया है, उसके बाद मम्मी इसमें जो है आलू ऐड करेंगी और जो ये प्याज और धनिया, प्याज सॉरी प्याज करी, ये जो मिर्च डाली है ना मम्मी ने और धनिया डाला, ये घर के ही कुटे हुए होते हैं, कोई बाहर के कुटे हुए नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ पे मिर्च नहीं खाई जाती है व्रत में, फिर वो लोग आके बोलते हैं। तो ये जो है घर में ही पिसी हुई होती है, जो बाहर की पिसी हुई होती है वो हम यूज़ नहीं करते हैं। और यहाँ पे जो है टाइगर दूसरे वाले रूम में बैठा हुआ था, सागर इसे उठा के लाया, यहाँ चौक में बिठाया और उसके बाद इसे पानी वानी लाने की कोशिश की, लेकिन इसने नहीं पिया और अब जो है यहीं बैठा रहेगा। जब भी इसे दूसरी जगह जाना होता है तो ये शोर मचाना शुरू कर देता है, तो हमें पता पड़ जाता है कि भाई ये इस जगह से बैठे बैठे बोर हो गया है, अब इसे कहीं और जाके बैठना है। और यहाँ पे बन रही है ये पूरी, ये मतलब मम्मी ने हाथ से ही बनाई थी, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं बनाई थी, छोटी छोटी सी ही बनाई थी, अपने हाथों से ही बनाई थी। और मेरे पे कुट्टू की पूरी बिल्कुल नहीं बनती, इसमें जो है मम्मी आलू भी ऐड करती हैं और हाथों से ही जो है इसे बना रही थी, मेरे पे बनती ही नहीं है, वो टूट टूट जाती है। मक्के की रोटी भी पता है मैं कैसे बनाती हूँ, उसमें थोड़ा सा आटा मिक्स करने के बाद जब मक्के की रोटी मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं अपना खाना कर रही हूँ, मैं जो है दही का पैकेट मंगवाए हुए हैं और मैं जो है दही बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं खा पाती, अभी मैं इसमें पानी ऐड करने वाली हूँ क्योंकि मुझसे खाई नहीं जाती बिल्कुल गाढ़ी दही, थोड़ी सी मुझे चाहिए। तो इसी वजह से आप लोग भी खा लीजिए, आप लोगों का फास्ट कैसा रहा मुझे भी बताना। तो यहाँ पे जो है मेरा खाना लग गया है और ये है मेरा आज का खाना, आप लोग भी खा लीजिए। आलू की सब्जी, मिर्चें जिस हिसाब से मम्मी ने इसमें डाली है ऐसा लग रहा है काफ़ी तेज है, और ये है रायता और ये है जो मैंने बंगाली रसगुल्ले बनाए हुए थे आप लोगों को याद होगा, और ये है मेरी पूरी और ये है मेरा नेल पेंट जो मैं अभी लगा के आई हूँ। फटाफट से मैं खा लेती हूँ अपना खाना, आप लोग भी खा लीजिए। वैसे बहुत सारे लोग जो है शायद आज के दिन अपना व्रत खोल देते हैं, लेकिन मैं नहीं खोल पाती, पता नहीं क्यों अपना व्रत। अभी जो है मेरा सारा काम फिनिश हो गया है और मैं जो है कपड़े मैंने चेंज कर लिए, क्योंकि उन कपड़ों में इतनी भयंकर गर्मी है, इतनी भयंकर गर्मी है। सुबह से मैंने पहन रखे थे ना ऐसे कपड़े, बस देखने में ही अच्छे लगते हैं, पहनने के बाद तो ऐसा मन करता है बस इन्हें ना पहने तो ज़्यादा अच्छा, अपने यही सड़े भूसे से कपड़े हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, एक भाई हैं जिनका गेमिंग चैनल है, आपको स्क्रीन पर जो है स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा उनके चैनल का, अगर आप लोग गेमिंग चैनल में इंटरेस्टेड हैं, आपको देखना पसंद है तो आप उनके चैनल को जाके देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बता दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है जैसे जो मैंने सूट पहना हुआ था, वो जो सूट है ना मतलब मैं ना उसकी सलवार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी इतना हैवी सूट है वो डेली डेली नहीं पहना जाता, उसकी सलवार के ऊपर कौन से कलर का सूट ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब मैं जो अपने कलर तो देख ही लिया, किसे बोलेंगे इसे फरोजी सा बोलेंगे, उस कलर पर कौन सा सूट ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं सोच रही हूँ कोई प्लान के ना कुर्ती ले लूँ उसके ऊपर, क्योंकि मैं इस सूट को इतने हैवी को डेली नहीं पहन सकती और वो काटता भी बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से आप लोग सजेस्ट करके बताना। मेरे दिमाग में तो वाइट कलर का आ रहा है कि भाई वाइट कलर का ठीक रहेगा, हाँ वाइट ही ठीक रहेगा। ठीक है, और मैं अपनी इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आजकल मेरी वीडियो 11:30 बजे के आसपास जा रही है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ 11 बजे डालने की, लेकिन मेरे यहाँ का नेट बहुत गंदा चलता है, तो इसी वजह से मैं नहीं डाल पाती टाइम से। मैं अपलोडिंग पे बहुत जल्दी लगा देती हूँ लेकिन फिर भी अपलोड नहीं हो पाता 11 बजे तक। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाय बाय।